नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, द सॉलिड स्टेट्स। हमने 1.13 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए हैं। नाउ वी विल स्विच ओवर टू क्वेश्चन नंबर 1.14। सो 1.14, इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड इज स्मॉल आर इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड इज स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ एटम एंड द रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग इज कैपिटल आर। Derive relation between small r and capital R. Derive relation between small r and capital R. तो हमसे ये बात कही जा रही है कि small r upon capital R is equals to how much? वी नो दैट कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन इन एनी क्लोज पैकिंग। सो वी नो दैट कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन इन क्लोज पैकिंग। सो कैटायंस आर फाउंड इन वॉइड्स वाइल एनायंस ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट। सो कैटायंस आर प्रेजेंट इन वॉइड्स। सो वे रिक्त स्थानों में प्रेजेंट होते हैं। कैटायंस आर प्रेजेंट इन वॉइड्स वाइल एनायंस आर प्रेजेंट एट लैटिस पॉइंट्स भी बोल सकते हो या साइट्स, लैटिस साइट्स पे प्रेजेंट होते हैं। सो विच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज फॉर्म्ड एंड व्हाट विल बी द क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट। विच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज फॉर्म्ड एंड व्हाट वुड बी अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल ऑल डिपेंड्स ऑन रेशो ऑफ कैटायन अपॉन रेशो ऑफ एनायन। तो जो इनके बीच का रेशो होगा ये उसी पे डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड रेडियस रेशो। रेडियस रेशो दैट विल बी कॉल्ड एज रेडियस रेशो। फॉर एग्जाम्पल इफ रेडियस रेशो दैट इज आर प्लस अपॉन आर माइनस, आर प्लस हमेशा छोटा होगा और आर माइनस बड़ा होगा, तो ये जो है ये वन से छोटी चीज होगी। सो इन दिस केस अगर इसकी वैल्यू 0.155 से 0.225 तक होती है, तो ऐसे केस में इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? सो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राई गोनल प्लेनर अगर इतना छोटा हुआ तो जो छोटा एटम होगा वो इस साइट में ही रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर यहां पे वो बैठ जाएगा।
और ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें, सो इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, सो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा अगर इस साइज का थोड़ा बड़ा होता गया तो धीरे धीरे ये इसको फैला देगा और ये आपस में फिर टच नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ होगी। सो दिस इज एग्जाम्पल B2O3 में यही होता है। सो एग्जाम्पल B2O3, इसको अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ट्राइगोनल प्लेनर में, वैसे क्वेश्चन में सिर्फ ऑक्टाहीड्रल का पूछा गया है, बट टाइम टू टाइम रेडियस रेशो ऑफ ऑक्टाहीड्रल और टेट्रागोनल ट्राइगोनल प्लेनर एंड दैट इज सेंटर्ड क्यूबिक का पूछा जाता है, तो हमें सभी को जान लेना चाहिए। इफ दिस इज कैटाइन इज लिटिल बिगर तो रेडियस रेशो और इम्प्रूव होगा और 0.414 तक पहुंच गया, तो ऐसे केस में ये टेट्राहीड्रल ले लेगा। टेट्राहीड्रल यानी कि थ्री बॉल ऐसे और उसके ऊपर एक बॉल, चार बॉल के बीच का, तो ऐसा स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल होता है और वो जिंक ब्लेंड में पाया जाता है, ZnS, ZnS का जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बोला जाता है उसको। दैट इज स्ट्रक्चर जैसे NaCl का रॉक साल्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। सो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में पाया जाएगा। और अगर यही रेडियस रेशो बढ़कर 0.414 से और इम्प्रूव हो गया 0.732, तो ये अब ऑक्टाहीड्रल में बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? कैटायन। एनायन तो लैटिस पे ही रहेगा, कैटायन चला जाएगा इसमें। सो ऑक्टाहीड्रल, इसी पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है 1.14। तो ऐसे केस में थ्री एटम तो बेस में होंगे और थ्री एटम इसके ऊपर होंगे, इस तरीके से, तो इस तरीके से ये होगा, तो ये सिक्स का होगा और इसके बीच में आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग तरीके के इन्वर्टेड ट्राइगोनल वॉइड्स हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है NaCl में, तो उसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है FCC, जो कि रॉक साल्ट स्ट्रक्चर कहलाता है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। हमने बताया भी था कि कितनी ऑक्टाहीड्रल वाइट्स होती हैं, एक सेंटर पर तो ऑक्टाहीड्रल होती ही है, एजेस पर भी होती है, वो कैलकुलेट कराया था। अच्छा, अगर यही रेडियस रेशो 732 से इम्प्रूव होकर 1 तक पहुंच जाए तो वो फिर क्यूबिक में पहुंच जाता है, दैट इज इक्वल्स टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सो दैट इज स्ट्रक्चर आप बड़ा हो जाए तो या तो बॉडी सेंटर क्यूबिक, या ये भी कह सकते हैं कि क्यूबिक में वो पहुंच जाएगा। नाउ ऐसे केस में ऐसा CsCl में होगा, तो हम ये सारे के सारे चेक करेंगे कि कैसे कैसे होगा, वन बाई वन वी विल सी। सो ट्राइगोनल प्लेनर में रेडियस रेशो, सो रेडियस रेशो इन ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, रेडियस रेशो ट्राइगोनल प्लेनर, जो ट्राइगोनल प्लेनर है उसमें क्या होगा कि थ्री एटम्स तो ऐसे होते हैं और इसके बीच में भी एक एटम होता है, वॉइड होगा तो एक एटम रह सकता है, ऐसा रह सकता है। इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाइए, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाइए और यहाँ भी मिला दीजिए, और यहाँ से इस सेंटर को भी मिलाइए, ये नाउ वी कैन ज्वाइन लाइक दिस। ये तो हमने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसमें ये लेंथ कैपिटल आर है, तो ये 2R हो गई, और इसी तरीके से ये जो सेंट्रॉइड है दैट इज आर और प्लस स्मॉल आर, ये छोटा वाला स्मॉल आर है
अब उसको यहाँ दिखाया नहीं जा सकता, बट वो स्मॉल आर है उसका रेडियस, तो हम इसको अलग से यहाँ दिखा देते हैं, ये स्मॉल आर। तो ये लेंथ हुई आर प्लस आर, और इसी को परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये लेंथ हो गई कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब जरा देखें कि जहां पर सेंट्रॉइड एक दूसरे को कट करते हैं वो मीडियन होती है, और वो 2:1 के रेशो में होती है, 2:1 और ये 1, सो 2:1 रेशो होगा। सो आप चाहें तो 2K लिख सकते हैं और 1K, वो हम बाद में निकाल लेंगे। चलिए, तो इन दिस केस ए बी सी, और ये जो सेंट्रॉइड है आप इसे जी ले लें, जी से लिया जाता है सेंट्रॉइड। तो अब हम ये रेडियस रेशो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर निकालेंगे। जरा देखें कि जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए, दैट इज बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ए सी कितना है इसका तो हमें कुछ पता नहीं है, सो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी क्या है आर स्क्वायर, और ए बी क्या है 2R का स्क्वायर, सो वॉट इज ए सी स्क्वायर, इट ये उधर चला जाएगा, सो इट इज 3R स्क्वायर। तो ए सी क्या हो गया, दैट इज आर रूट थ्री, ए सी की वैल्यू आ गई आर रूट थ्री। ए सी अगर इतना है तो ए जी कितना हुआ, ए जी इज इक्वल्स टू 2/3, मीडियन क्या होता है जहां सेंट्रॉइड होता है तो 2:1 के रेशो में होते हैं, 2/3 ऑफ ए सी, सो इट इज 2/3 टाइम्स ऑफ आर रूट थ्री। लेकिन जो ए जी है वही बी जी भी है, तो ए जी इज इक्वल्स टू बी जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी लेंथ ड्यू टू सिमेट्री ऐसा है, ए जी इज इक्वल्स टू बी जी। एंड बी जी क्या है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, देख लो यहाँ पे स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और छोटा आर भी तो है, यहाँ छोटा सा एक स्फीयर है, तो इसलिए इट विल बी 2/3 आर रूट थ्री। इस थ्री से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, सो 3R प्लस 3R इज इक्वल्स टू 2√3R, ऐसा हो गया। अब जरा देखें कि 2√3 कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं, 2√3 कैपिटल आर। नाउ अब जरा देखिए कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसमें स्मॉल आर अब एक तरफ छोड़ दो और 2√3 कैपिटल आर अपॉन दैट इज -3R, ये चीज हो गई। सो अब R कॉमन ले लो और 2√3 -3, और फिर यहां स्मॉल r क्या हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, सो 2 × 1.732 -3 अपॉन 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 3.464 -3 बाई 3, ये चीज हो गई। और अब स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इट इज इक्वल्स टू 0.464 बाई 3, ऐसा हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 से इसको कट करो तो 0.1 फिर 16 बचेगा, तो 5 फिर 14 बचेगा, तो 14 बचने से तो वैसे 3 4 या 12 और फिर 20 बचेगा तो 3 7 या 21, ऐसा कुछ कुछ आएगा जिसको 0.155 कहा जा सकता है, 155। तो जब रेडियस रेशो ट्राइगोनल प्लेनर में 0.155 होता है तो ऐसे केस में वो इस कैविटी में रहेगा, ये जो कैविटी यहाँ रहेगा,
और हमने बता दिया 0.5 साइड से अगर बड़ा भी हो गया, थोड़ा सा बढ़ता भी गया, तो इसको थोड़ा थोड़ा ये ठेलता रहेगा कि भगाता रहेगा, दूर हो जाओ हमें यहीं रहना है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब बढ़ते बढ़ते इतना आ जाए तो ये फिसल कर इस कैविटी में आ जाता है, यहाँ बीच में आ जाता है, चार के बीच में। तो वो अब हम देखना चाहते हैं कि भाई टेट्राहीड्रल में किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सो लेट अस सी द रेडियस रेशो इन टेट्राहीड्रल। नाउ रेडियस इन टेट्राहीड्रल वॉइड, लेट अस सी हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेट्राहीड्रल वॉइड्स में थ्री स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर रखा रहता है। सो लेट वन इज द अपर स्फीयर, सो देयर विल बी थ्री स्फीयर बिलो इट, तो इसके नीचे थ्री स्फीयर रहेंगे। इस तरीके से सो देयर विल बी फोर स्फीयर। अगर हम इसका ज्योमेट्री देखें तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। एक क्यूब बनाइए सबसे पहले, एंड देयर विल बी द थ्री एटम्स, तीन अलग अलग यहां पर लैटिस पॉइंट पे अलग अलग एटम होंगे, और ये और इनके ऊपर ये थ्री एटम्स हैं। दीज आर, जैसे ये फेस डायगनल हो गया और ये भी एक फेस डायगनल हो गया, तो इस तरीके से ये थ्री एटम हैं। ये जब सब तीनों पास आएंगे तो इसके पास एक चौथा एटम इधर से पास आएगा। तो अगर ये फोर्थ है, फोर एटम पास आ जाएं तो इससे ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और भी होंगे बट वी आर ओनली कंसिडरिंग दीज थ्री एटम्स, और जिसके पास ये चौथा एटम आएगा तो वो मिल करके यही स्ट्रक्चर बना देंगे। इफ दे कम क्लोजर टू ईच अदर तो ये क्या होगा, ये आप देखें इनके बीच इक्वी डिस्टेंस है, और ये भी तो इक्वी डिस्टेंस है क्योंकि ये भी तो एक फेस डायगनल है, तो हर एक के बीच में इक्वी डिस्टेंस है। क्या जो इसकी डिस्टेंस है वो a√2 नहीं है, जो इसकी डिस्टेंस है वो a√2 नहीं है, और जो यहां से इसकी डिस्टेंस है वो भी तो a√2 ही है। तो हमने ये देख लिया कि ज्योमेट्री के हिसाब से सारे फेस डायगनल पर हैं। अब इन जब ये पास आ जाएंगे तो इनके बीच में एक छोटा सा वॉइड बनेगा, तो जो वो वॉइड बनेगा वो कैटाइनिक वॉइड होगा, तो वो इस तरीके से एक छोटा सा वॉइड बन जाएगा, वो इनके बीच में ट्रैप हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि ऐसे केस में देयर विल बी द स्ट्रक्चर लाइक दिस, कि जो इसका फेस डायगनल है, अगर फेस ए है तो फेस डायगनल क्या हुआ, a√2। सो इफ दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हम इसे बहुत अगर क्लोज बना लें तो किस तरीके का क्यूब बनेगा, दे स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। तो ये इस तरीके से क्लोज अगर आने लग जाए, तो क्लोज आने के बाद कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एटम होंगे, तो ये देखा जा सकता है कि सेंटर पर तो एक एटम होगा ही, और यहां पर देयर विल बी थ्री एटम विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, तो
ये तीनों एटम इन कांटेक्ट होंगे, और किस तरीके से कांटेक्ट में होंगे वो चीज़ हम देख लें कि देयर विल बी वन एटम, एक एटम तो यहाँ पर होगा और एक एटम इस पॉइंट पर हमने दिखाया है, यहाँ से देखिए तो जो दूसरा एटम होगा वो यहाँ पर होगा और इसको टच करता हुआ होगा दूसरा एटम, और तीसरा एटम कहाँ पर होगा, तीसरा इसके पीछे होगा जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर पीछे की ओर इस तरीके से होगा, वो भी इसको टच करता हुआ होगा। एंड फोर्थ एटम, इसके अलावा जो फोर्थ एटम है वो इसके ऊपर होगा यहाँ से, एंड वो इस तरीके से होगा, तो ये तीनों टच करेंगे, फिर उसके ऊपर ये रहेगा और फिर उसके बीच में देयर विल बी अ स्मॉल कैटायन, तो ये तीनों टच करेंगे उसके बीच में स्मॉल कैटायन होगा और फिर ये होगा, ये यहाँ पर एक नाउ एट फेस डायगनल, जो इसमें फेस डायगनल है यहाँ पर भी फेस डायगनल हमने टच नहीं किया है, इट इज़ फॉर सिंप्लिसिटी, लेकिन ये क्लोज आएंगे और सब एक दूसरे को टच करेंगे, तो एस एट फेस डायगनल ए रूट टू विल बी इक्वल टू टू कैपिटल आर, क्योंकि ये आर है ये आर है ये टच करेंगे क्योंकि टेट्राहीड्रोइड में सब टच करते हैं, तो ये हो गया। और जो बॉडी डायगनल है, बॉडी डायगनल ए रूट थ्री होता है, सो बॉडी डायगनल ये पूरा ए रूट थ्री लीजिए, ये तो हमने खैर फेस डायगनल दिखाया था, बट इफ वी सी दैट ए सी इज द बॉडी डायगनल तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी विल बी द कम्प्लीटली ए रूट थ्री, तो आप चाहें तो एक बॉडी डायगनल अलग से बना सकते हैं, वरना ये हमने बना लिया एक बॉडी डायगनल ऐसे बना लीजिए ये, और इसे फेस डायगनल मान लीजिए जो पहले वाला है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो वो चाहे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं पीछे वाला, क्योंकि ऑल आर द फेस डायगनल्स, तो हम सीधा बॉडी डायगनल ही दिखाएं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, दैट इज ए रूट थ्री, सो ये हमने बॉडी डायगनल दिखा दिया, दिस इज ए रूट थ्री। अच्छा, ए रूट थ्री पर जो ए रूट थ्री है उसके हाफ ऑफ द बॉडी डायगनल में क्या क्या है, इस चीज को देखो, इसके हाफ ऑफ द बॉडी डायगनल में आर है और पूरे बॉडी डायगनल में क्या क्या होगा, जो कि इस समय यहां पर तो कोई एटम नहीं है और आधा इसका लो, हाफ ऑफ द बॉडी डायगनल में एक आर आएगा और एक कैपिटल आर आएगा, यानी मैं कहता हूं कि ए रूट थ्री में सिर्फ एक आर आएगा और एक स्मॉल आर, क्योंकि ये मिड पॉइंट तक आएगा, जैसे कि जो ये हमने बनाया ये दैट इज टेट्राहीड्रल वॉइड, तो टेट्राहीड्रल वॉइड में सारे पॉइंट्स पर तो यहां पर भी एक एटम होगा, हर पॉइंट पर एक एक लैटिस पॉइंट्स होगा, ये एटम होगा तो एक एटम यहां होगा, और इसी तरीके से हर पॉइंट पे एक एक एटम होगा, पीछे भी एक एटम होगा और यहां पर भी एक एटम होगा, एक एटम यहां पर भी होगा और एक एटम यहाँ पीछे भी होगा जो जिसके ऊपर ये सिट करेगा, तो इसके बाद ये जो पीछे वाला एटम है उसको भी आप दिखा सकते हैं कि पीछे एक एटम होगा, ये पीछे भी एक एटम होगा, और इसमें ये जो बीच का प्लेस है उसमें एक वॉइड बनेगी, तो वॉइड में एक इस तरीके से होगा, तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर ही बॉडी डायगनल में आएगा, तो यहां पर ये तीनों पास आ जाए और ये पास आ जाए तो इतना पोर्शन दैट इज स्मॉल आर और प्लस कैपिटल आर यही बॉडी डायगनल में आएगा, हाफ ऑफ द स्पेस इट विल ऑक्यूपाई, तो ये चीज हो गई। अब जरा देखिए कि ए की जगह क्या रखा जा सकता है, टू आर बाई रूट टू, सो टू आर बाई रूट टू रखा जा सकता है, रूट थ्री को रख दीजिए, हमने ए की जगह इसमें से वैल्यू डाल दी, टू आर बाई रूट टू इज इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये चीज है, सो दिस इज सारे आर एक तरफ ले आइए तो टू रूट थ्री बाई रूट टू
आर माइनस आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। सो दिस इज, अगर आर कॉमन ले लिया जाए तो 2√3, 2√3 बाई √2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। सो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस √2 और अपॉन √2। तो ये आर उधर ले गए, 2√3 क्या होता है, दैट इज 2 × 1.732 माइनस 1.414 डिवाइडेड बाई 1.414 इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो ये वैल्यू आ गई। नाउ अब देखिए, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या चीज होगी, 2 से इसका मल्टीप्लाई है √3 का, और बाकी ये चीज अलग है, और ये कोई इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। सो इतनी वैल्यू आ गई। सो 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 3.464 माइनस 1.414 अपॉन 1.414, इट इज स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। सो 3.464 में से 1.414 को माइनस कर दीजिए, 0502, 2.05, 2.05 डिवाइडेड बाई 1.414, दैट इज स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अब इस चीज को कैलकुलेट किया जाए कि 2.05 डिवाइडेड बाई 1.414। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए एक चीज, जो √3 है, √3 पूरा बॉडी डायगोनल है, तो उसमें हमने आर प्लस आर लिया है। आर प्लस आर नहीं होगा क्योंकि आर प्लस आर तो हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल में है, तो पूरे बॉडी डायगोनल में 2 आर प्लस आर होगा, इसका जस्ट डबल होगा, क्योंकि हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल में एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। तो इस तरीके से पूरे बॉडी डायगोनल में तो इसका डबल हो जाएगा, तो यहां पर 2 टाइम्स लगाइए कि 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये सब जगह 2 लिखते जाइए। सो दिस विल बी 2, अगर यहां 2 लग गया और ये भी 2 हो गया, तो यहां पर भी 2 लगाइए और यहां पर भी 2 लगाइए। सो इस तरीके से जब ये 2 आर है और आर कॉमन लगाएंगे तो यहां 2 आ जाएगा और यहां पर भी 2 रहेगा। सो अब अगर वही आर इधर ले जाएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2√2 हो जाएगा। इतनी बात हो गई। तो इसके आगे अब हम फिर से कैलकुलेट कर लें, ये वाली लाइन आप हटा दें। सो यहाँ से हम कैलकुलेट फिर से कर देते हैं। नाउ सी, ये बात आप समझ लें कि जो बॉडी डायगोनल है उसमें 1 आर प्लस आर तो हाफ में ही आ गया, तो डबल आएगा। तो दिस विल बी 2√3 माइनस 2√2, तो 2 2 सब बाहर आके कॉमन होके कट जाएंगे, ये 2 और ये 2 कट गया, तो अंदर क्या बचा, √3 माइनस √2/√2। सो दिस विल बी √3 माइनस √2/√2 इज इक्वल्स टू आर बाई आर। सो इट इज √3/√2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर बाई आर। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो √3/√2 अगर हम निकालें तो कितना आएगा, दैट इज 3/2, कितना आता है 1.5, फिर उसका रूट निकाल लें, तो 1. दैट इज, क्योंकि रूट तो पूरे में लगा है, तो 1.5 का रूट, 1.5 इसका रूट निकाल लें। सो इट इज 1.2247, तो 1.225। सो इट कम्स एज
1.225 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर बाई आर, तो 0.225 इज इक्वल्स टू स्मॉल आर बाई आर. नाउ दिस इज द रेशो इन केस ऑफ टेट्राहीड्रल. नाउ वी विल सी वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि ऑक्टाहीड्रल वाइड में क्या होगा. यहां तक हमने देख लिया था कि अगर ये चीज बढ़ते बढ़ते 0.225 हो गई तो खिसक के टेट्राहीड्रल में आ जाएगी, और टेट्राहीड्रल में और बढ़ती गई तो जब तक कि ऑक्टाहीड्रल के बराबर नहीं हो जाएगी तब तक खिसक के ऑक्टाहीड्रल में नहीं आएगी, तब तक टेट्राहीड्रल में ही ये आपस में एक दूसरे को ठेलती रहेगी और टेट्राहीड्रल में ही रहेगी. अब हम ऑक्टाहीड्रल में आते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है. सो रेडियस रेशो इन केस ऑफ ऑक्टाहीड्रल, इन ऑक्टाहीड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड में देखें क्या चीज होती होगी. नाउ ऑक्टाहीड्रल वॉइड में हमने एक बात आपको बताई थी कि जो ऑक्टाहीड्रल वॉइड होती है वैसे तो 3 एटम के ऊपर 3 एटम रखे होते हैं, जैसे ये 3 एटम्स हैं तो ये 3 एटम्स हैं तो इसके नीचे आपको दूसरे 3 एटम मिल जाएंगे. तो वो किस तरीके से मिलेंगे, ये तो एक ये और एक ये, और इसी तरीके से एक ऊपर होगा ये, तो दीज आर द 3 एटम्स, 3 के ऊपर 3 हो गए. तो जो पीछे के एटम है उसे आप रेड कर सकते हैं कि वो पीछे वाले नहीं दिख रहे हैं, ऊपर वाले तो दिख रहे हैं आपको बट नीचे वाले आपको नहीं दिखेंगे. तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दीज आर द एटम इन द लोअर लेयर, और जो अपर लेयर के हैं दे विल बी सीन कंप्लीटली. तो अपर लेयर के एटम को आप दिखा सकते हैं. सो ये नीचे की लेयर के हो गए और ये आपकी ऊपर की लेयर के हो गए. तो इस तरीके से दिस विल बी वेरी क्लियर टू शो दैट इट इज ऑक्टाहीड्रल. तो ऐसे भी दिखा सकते हैं. अच्छा ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इन बॉल्स के स्ट्रक्चर को हमने आपको दिखाया था कि ये स्क्वायर बाय पिरामिडल भी दिखता है. जब इसको थोड़ा सा घुमा लो तो स्क्वायर बाय पिरामिडल भी दिखता है. तो कैसा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर स्क्वायर बाय पिरामिडल दिखेगा. नाउ इट विल बी लाइक दिस, इसी को बस घुमा देना है. तो घुमा देने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा कि हैं 6 एटम, लेकिन वो 6 एटम कैसे दिखेंगे, तभी तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड बनेगी. तो इस तरीके से एक एटम, फिर दूसरा एटम. नाउ तीसरा एटम और ये चौथा एटम, दीज आर द 4 एटम, और इसके ऊपर भी 2 होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, तभी स्क्वायर बाय पिरामिडल होगा. और वो ऊपर और नीचे वाले नहीं दिखाए जा रहे हैं, और बीच में एक जो वॉइड बनेगी उसमें कुछ इस तरीके का एक एटम रह सकता है, क्योंकि जो कांटेक्ट में है तो इतना ही बड़ा रेडियस रह सकता है. नाउ ऑक्टाहीड्रल वॉइड अगर बनेगी और इसकी एक साइड अगर हम यहां पर ए ले लेते हैं इसकी एक साइड को, तो दिस इज ए, तो ए इज इक्वल्स टू 2 आर, क्योंकि ये बड़े वाले का रेडियस आर है और छोटा वाला जो है वो स्मॉल आर है. सो ए सी क्या होगा, ए सी इज इक्वल्स टू ए रूट 2, क्योंकि
वो इसी जो बीच का स्क्वायर बाई पिरामिडल है, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल में हमने चार एटम बीच में दिखाए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से दिखाया गया है, जो कि अब यहाँ पर तो देखा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, और इसके ऊपर एक एटम रखा हुआ दिखेगा और एक एटम इसी में नीचे रखा हुआ दिखेगा, तो इट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल, जबकि ये बीच वाला नहीं दिखेगा ये, तो ये दिस इज स्क्वायर बाय पिरामिडल, तो ऊपर में और एक नीचे में भी रहेगा उसी साइज का ये, इस तरीके से, और ये पीछे के एटम्स हैं, सो दीज आर ऑफ डिफरेंट कलर, इसको अलग अलग कलर में दिखा दें कि ये बीच के एटम हैं, और जो ऊपर और नीचे के हैं उसको अलग कलर में दिखा दें, सो इट इज वेरी क्लियर कि दो एटम ऊपर नीचे हैं और बीच के चार हैं, तो इसमें आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये दीज आर डिफरेंट एटम्स और उसके बीच की एक वॉइड है। नाउ तो हम ये बीच वाले स्फीयर को ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि उसी में जो वाइड आ जाएगी तो आ जाएगी, और वही जो उसका रेशो होगा मैक्सिमम उसी में गैप में कुछ होगा, तो अगर ये ए है तो ए सी क्या हो गया, ए रूट थ्री, ए रूट टू, तो ए रूट टू ये जो है उसमें क्या क्या आ सकता है, वन आर आ सकता है, और दैट विल बी टू कैपिटल आर प्लस टू स्मॉल आर, दैट विल बी इन ए रूट टू, और ए खुद क्या है, टू आर, तो यहां पर आप टू आर रख दें इसी से, ए की जगह टू आर रख दें, इट इज इक्वल्स टू टू कैपिटल आर प्लस टू स्मॉल आर, नाउ स्मॉल आर को यहीं रहने दें और कैपिटल आर को उधर ले जाएं, तो इस तरीके से ये टू रूट टू माइनस टू, और अगर सिर्फ आर रखा जाए तो बाई टू, सो दिस विल बी आर, और सारे टू कॉमन आके कट जाएंगे तो रूट टू माइनस वन बचेगा, सो इट विल बी आर बाई कैपिटल आर, अब इस कैपिटल आर को यहाँ ले आए और ये 1.414 लिख दें और माइनस वन, तो इस तरीके से जो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर आएगा वो 0.414 आ जाएगा, जो कि ऑक्टाहीड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर है, ये बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो हमने यहाँ पर जो फेस डायग्राम लिया है बीच वाले स्क्वायर बाई पिरामिडल का, उसी में हमने ये सभी कॉन्टेक्ट में होंगे तो ये दिखा दिया है, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वॉइड, जब इस तरीके से आ जाएगा तो फिर अब वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड में आ जाएगा, और भी बढ़ता चला जाएगा, तब भी ऑक्टाहीड्रल में रहेगा लेकिन अगल बगल वालों को ठेलता रहेगा। अब जरा हम देखें कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में किस तरीके का वॉइड होगा, क्योंकि चार तरीके की वॉइड होती है, तो फोर्थ टाइप आ रही है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सो दैट इज इक्वल्स टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वॉइड, सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो फोर्थ टाइप है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें क्या चीज होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, कि जो भी एटम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ऐसे, तो अब ये जो भी डिफरेंट एटम्स हैं इनके बीच में एक और एटम होगा, क्योंकि बहुत बड़ी जगह बीच में बच रही है, तो वहां पर एक ऐसे एटम आ सकता है, वो चीज यहां दिख नहीं सकती बट ये ऐसा होगा, तो वो जो बॉडी सेंटर्ड होगा वो किसको किसको टच करेगा, देखा जाए
तो वो जो बॉडी डायगोनल होगा इसमें, तो ये बड़ा एटम और दो छोटे एटम वो सारे उस बॉडी डायगोनल में आपस में एक दूसरे को टच कर देंगे। बॉडी डायगोनल में बड़ा का क्या मतलब है, फिर भी कैटायन ही है तो इन सब से तो छोटा ही होगा। तो ये चीज की जा सकती है कि इसमें जो ये वाला साइड है तो एक इसके इक्वल है, ए इज इक्वल्स टू 2R, और जो ए √3 है उसमें बड़ा एटम सभी कांटेक्ट में होंगे, तो बड़ा एटम का 2R और छोटे छोटे दो एटम, बॉडी डायगोनल की बात कर रहा हूँ, इसको इससे मिला दूँ तो, इसको इससे मिला दूँ तो यही है ए रूट थ्री। और इसमें तीन चीज़ें सामने आएंगी, ये वाला एटम भी रहेगा इसी में और ये भी रहेगा और साथ में पीछे में भी एक रहेगा जो कि यहाँ बनाया नहीं गया है, चाहे तो बनाया जा सकता है पर वो बैक साइड में तो नहीं बनाया। तो इस तरीके से छोटा 2R और प्लस कैपिटल 2R, ये चीज़ है बॉडी डायगनल में, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी क्योंकि बॉडी डायगनल का आपने शेप देखा है, हमने आपको फिजिकली दिखाया भी है, तो बॉडी डायगनल में सब एटम टच करते हैं, कॉर्नर के दो एटम और बीच का एटम वो सब आपस में टच करते हैं, तो वही दिखाया है बॉडी डायगनल में ये रहेगा। और एक जगह 2R लिख दीजिए, अगर मैं R को इधर कॉमन ले लूं और 2 को भी कॉमन ले लूं तो ये √3 -1 हो जाएगा और ये 2R हो जाएगा। और अब R और R इधर रख दूं तो 2 से तो 2 कट ही कर दीजिए, सो R √3 -1, R भी हट गया, R उधर चला गया, सो ये कितना बच गया, √3 -1। √3 क्या होता है, 1.732 -1 इज इक्वल्स टू आर बाई आर, तो 0.732 इज आर बाई आर। तो ये चीज हो गई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। तो बॉडी सेंटर्ड अगर क्यूबिक हुआ तो ऐसे केस में वो बॉडी सेंटर्ड BCC रहेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लिख दें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है और 1 तक पहुंच गया तो फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फिर वो कहेगा नहीं हम तो वॉइड में नहीं रहेंगे, हम मैं तुम्हारे बराबर हो गया हूं। तो ऐसे केस में अगर इक्वल हो गया, CS वैसे बहुत बड़ा एटम होता है लेकिन फिर भी क्लोरीन की बराबरी नहीं कर पाता, तो सीजियम आयन कैटायन बड़ा है बट क्लोराइड आयन के बराबर नहीं है, तो इसलिए वो बॉडी सेंटर पर रहेगा। लेकिन अगर किसी केस में मैं ऐसे कहूँ CSF तो CS कहेगा ऐसे आपसे तो मैं बड़ा हूँ, अब मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में रहूंगा। इफ द रेडियस रेशो रीचेस टू 1 देन इट विल डिनाई टू रिमेन इन वॉइड एंड इट विल फॉर्म स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इफ रेडियस रेशो अप्रोचेस टू 1 देन इट विल डिनाई टू रिमेन, इट का मतलब कैटायन, विल डिनाई टू रिमेन इन वॉइड एंड कम इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग या कम इन लैटिस साइट, तब वो कहेगा मुझे कोई लैटिस साइट दो। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्टाइडल, उसके अलावा मैंने सारा आपको बता दिया कि चारों केसेस में टेट्रागोनल वॉइड का क्या साइज होता है। सो अगर टेट्रागोनल वॉइड हो या मतलब ट्राईगोनल वॉइड हो, तो ट्राईगोनल वॉइड हो तब क्या साइज होगा, फिर इसके बाद में टेट्रा हीड्रल वॉइड हो तो क्या साइज होगा, और इसी तरीके से ऑक्टा हीड्रल वॉइड हो तो क्या साइज होगा, और बॉडी सेंटर्ड सेंटर्ड क्यूबिक वॉइड हो तो क्या साइज होगा। तो मैंने इसमें बताया आपको कि दिस इज 0.155, ये स्मॉल आर बाई ये एस आर प्लस अपॉन आर माइनस होगा,
रेडियस रेशो, और ये 0.414, 0.225, 0.225, 225, 225, और 0.414 और 0.732। साथ में ये भी बताया कि इसका B2O3 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ZnS जिंक ब्लेंड है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है, और CsCl ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई पूछे CsCl का कैसा स्ट्रक्चर होता है तो बोल देना BCC होता है, NaCl का तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड में रहते हैं, FCC होता है, ZnS टेट्राहीड्रल वॉइड में रहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया और टाइप ऑफ वॉइड हो गई। तो ये भी टेबल याद रखने लायक है, इस पर कई MCQ क्वेश्चन बनते हैं। और जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है उसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से वॉइड्स कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।